हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग मेरी कलाकारी। तो आज मैं आपको व्रत की रेसिपी बताने वाली हूँ, तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो लेट्स सी द रेसिपी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। और क्योंकि हम व्रत की रेसिपी बना रहे हैं तो हम कुछ भी ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। तो ये मैं कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ और इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैंने थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाली है और किसा हुआ अदरक ऐड करूँगी। इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे और इसे सौते करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी व्रत का नमक एंड 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब उबले हुए आलू को इसमें मैश करके आपको डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो ये मैंने हरी धनिया भी ऐड किया है इसमें। हरी धनिया से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि व्रत में हम ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करते, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसे स्किप मत करिएगा। अब सबसे लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है ये पिसी हुई मूँगफली। तो हमारे आलू बंडी की जो फिलिंग है वो तैयार है। अभी घोल बना लेते हैं। तो घोल बनाने के लिए मैंने ये राजगीरे का आटा लिया है। आप सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं लेकिन कुट्टू का आटा मत लीजिएगा। और आपको एक पकौड़े का घोल तैयार करना है जैसे पकौड़े का घोल होता है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, तो बस आपको वैसा ही घोल तैयार करना है। और ये मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो ये जो हमने फिलिंग बनाई थी इसके हमें छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। एक ही साइज़ के लड्डू आप छोटे छोटे बनाकर तैयार कर लीजिए और इसके बाद जब आपके पूरे लड्डू बन जाएंगे तब हम इसे बैटर में डिप करके ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और लगभग वो गर्म हो भी चुका है। तो चलिए फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने 1 लड्डू लिया है, इसे मैं अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ और उसके बाद अब इसे मैं फ्राई करूँगी। इसे डालते वक्त आप हाई फ्लेम में रखिए और उसके बाद आप इसे मीडियम फ्लेम में कर दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। इसे आपको बार बार टच नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही टच करना है। एक बार आप इसे अंदर से अच्छी तरह से पक जाने दीजिए, उसके बाद आप इसे दूसरी तरफ से भी टर्न करके पका लीजिए। तो हमारे आलू बंडे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे लेकिन गरम गरम ही खाइएगा और दही या चटनी के साथ अगर आप इसे खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप इसे दही या चटनी के साथ इंजॉय करिए ऐसे ही गरम गरम। तो आप अपना व्रत इंजॉय करिए इस लजीज आलू बंडे के साथ। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आपको मेरे ये व्रत के फलाहारी आलू बंडे कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।